नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सायमा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने संसद में अपने भाषण में एनडीए को 400 सीटों पर जीत मिलने का दावा कर दिया। इसी बीच में आगामी चुनाव को लेकर एक सर्वे भी सामने आया जिसने विपक्षियों की नींद ही उड़ा दी। तो कौन सी पार्टी और कितने सीटों के साथ सत्ता में आएगी, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सरगर्मियों के बीच चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसको सुनकर विपक्ष के गलियारों में हड़कंप मच गया। बता दें कि एक सर्वे रिपोर्ट में 2024 में एक बार फिर एनडीए को बड़ी जीत मिलने का दावा किया गया है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को लोकसभा चुनाव में 366 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। इस सर्वे में जनता का मन टटोलने की कोशिश की गई है कि अगर आज चुनाव होता है तो जनता के मन में क्या है, जनता का रुझान किस ओर है। सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार 3 बार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और सीटों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया है वो भी सही होता दिख रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट में इंडिया गठबंधन को 104 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है जबकि अन्य के खाते में 73 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत में उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम होगी। बीजेपी ने इस बार यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। सर्वे में बीजेपी अपने इस लक्ष्य के काफी करीब दिखाई दे रही है। यूपी में बीजेपी का जलवा नजर आ रहा है। सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को यूपी की 80 में से 77 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है जबकि विपक्षी दलों के गठबंधन को सिर्फ 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और बसपा का खाता भी खुलते नहीं दिख रहा है। सर्वे की माने तो मोदी सरकार के खिलाफ बनाए गए इंडिया गठबंधन का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी इस बार 2019 में मिली सीटों के आंकड़े को भी पार कर सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति अब भी काफी मजबूत दिख रही है। टीएमसी अकेले दम पर बंगाल की 42 सीटों में से 26 सीटें हासिल कर सकती है। अगर इस सर्वे की रिपोर्ट सही साबित होती है तो केंद्र में बीजेपी सरकार भारी बहुमत के साथ बनेगी और पीएम मोदी अब तक का सबसे बड़ा इतिहास भी रचेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में अगर इंडिया गठबंधन को करारी हार मिलेगी तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रिएक्शन क्या रहने वाला है या फिर ईवीएम पर ही सवाल उठा दिए जाएंगे जैसा हर बार देखने को मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।